Hello guys, this is AD and you watching Hindi Otaku. So guys, welcome to another episode of AD Talk series. यार देखते ही देखते साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता. बस कुछ ही घंटों में हम साल के दूसरी ओर होंगे. ये पूरा का पूरा साल आपके साथ के साथ जो था मेरे साथ और मेरा साथ आप सबके साथ और तो और एनिमे का इस साल का साथ हम सबके साथ. वो ये तो राइमिंग बन गई. फिर से एक बार साथ हमारा एनिमे के साथ एक नए साल के अंत के साथ जो है हम सब के साथ. well, कुछ ही समय में नया साल आ जाएगा. ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब मैंने अपना चैनल YouTube पर स्टार्ट किया था. मुझे आज भी याद है कि मैंने मेरा सबसे पहला वीडियो जो कि था फेरी टेल का उसे अपलोड किया था 16th मार्च को. ये मुझे याद था. नहीं तुम लोग को विश्वास नहीं है, नहीं मानना तुम लोग को, मत मानो. तो यार 2019 एनिमे कम्युनिटी ओके इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए एक मेमोरेबल एज वेल एज अनबिलीविंग ईयर था. मतलब जब कैलेंडर ने 2019 हिट किया किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये साल अपने साथ इतने सरप्राइजेस हमारे लिए छुपा कर लाया है. 18th अप्रैल 2017 की वो सुबह शायद ही कोई भूल पाए. हमेशा की तरह टीवी ऑन करने पर पता चला दैट एनिमेक्स इज गॉन फॉरएवर. सोच कर अभी भी आंखें खड़े हो जाते हैं. एंड देन ऑल थैंक्स टू जियो एंड एनिमे वेबसाइट्स हु प्रोवाइड्स अस अ प्लेटफॉर्म टू वॉच एनिमे. और यहीं से पावर मिली इंडियन एनिमे कम्युनिटी को. जहां 2018 तक एनिमे का शायद ए भी बहुत कम लोगों को पता था या शायद पता होने के बाद भी वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे ड्यू टू वेल नोन टू फैक्ट्स. फर्स्ट एनिमे देखता है ठीक गंदा या दूसरा इन दो टाइप्स के लोगों को बस अब मुझे एक ही बात कहनी है. 2019 में पेटिशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. आई मीन दिस ईयर वॉज रियली लाइफ चेंजिंग. इट्स लाइक अ न्यू एरा ऑफ एनिमे इन इंडिया. 2019 की तीन सबसे बड़ी डेट्स मार्च 29th जब करीब 67,000 लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के पेटिशन को साइन किया और करीब 9,000 से ज्यादा लोगों ने पीवीआर के ट्वीट्स को रीट्वीट करके फाइनली ब्रॉली को इंडियन पीवीआर के स्क्रीन पे लाकर खड़ा कर दिया. ब्रॉली के रिलीज के तुरंत बाद मानो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के अंदर जोश आ गया. उनके अंदर जोश की ज्वाला भड़क उठी और अब टारगेट था माकोटो सेंसेई सर की टेंकी नो को बिग स्क्रीन पे लाने का. एंड तब तक मैं भी YouTube पर एक्टिव हो चुका था. सो अलोंग विद ऑल एनिमे यूट्यूबर्स मैंने भी लगभग सिर्फ टेंकी नो को से रिलेटेड 6 वीडियोस बनाई जिस पर ऑडियंस का बहुत तगड़ा रिस्पांस आया. सभी की मेहनत रंग लाई और करीब 52,000 से भी ज्यादा लोगों ने पेटिशन को साइन किया. एंड फाइनली 18th अप्रैल को माकोटो सेंसेई सर का इंस्टेंट रिप्लाई आया. एंड देन आफ्टर हैशटैग #indiawantsanime कैंपेन फाइनली ऑन 27 सितंबर By the way, does anyone else think इस बंदे को गलत जगह भेज दिया गया उस समय? What is his views particularly on the animation which is created back in India? उमाए वा मो शिंदेरु. Okay, understood. And then 11th October, a day when we all created history. मतलब ना इतिहास के पन्नों पे ना सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए ये समय. ये स्ट्रगल, ये सक्सेस, ये सब कुछ. 11th October, टेंकी नो को रिलीज्ड इन मोर देन 30 सिटीज एंड इट वॉज अ बिग हिट. इंडिया वांट्स एनिमे शाउट आउट. ऑडियंस ने निराश नहीं किया. एंड नाउ अपने पास एक वकाओ नाम का ब्रह्मास्त्र है जिसे कभी भी चलाकर एनिमे मूवी हम इंडिया में रिलीज करवा सकते हैं. प्लीज बी यूनाइट एज ऑलवेज. अब बची वो तीसरी डेट. सो इट वॉज 12th October. अरे 12th अक्टूबर को क्या हुआ था? कोई और मूवी आई थी क्या? जी नहीं, 12th अक्टूबर वॉज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल स्टूडियो दुर्गा. कुछ याद आया? ये वो डेट है जब इंडिया को उसका खुद का पहला एनिमे मिला कर्म चक्र के रूप में. दे आर स्टिल अपलोडिंग मिनी पार्ट्स सो जस्ट गो एंड चेक आउट देयर चैनल गाइस. दे एक्चुअली डिजर्व अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. तो यार 29th मार्च, 11th अक्टूबर और 12th अक्टूबर ही वो तीन डेट्स हैं जिसने 2019 को मेमोरेबल और अमेजिंग बना दिया. मतलब यार एक ही साल में दो एनिमे मूवीज, अब और कितने अच्छे दिन चाहिए. ये सभी चीजें तो हुई ही
बट गाइस आप लोग को पता है मुझे सबसे बड़ी खुशी किसने दी? आप सभी ने। यहाँ मेरे अभी करीब 700 सब्सक्राइबर्स हैं। स्टिल यही सोचकर खुशी होती है कि मेरे कंटेंट्स लोग देख रहे हैं, भले ही 200-300 लोग ही, बट एटलीस्ट उतने तो देख रहे हैं। तो यार ये आग जो अपने अंदर तुम सबने जलाई है उसे बस ठंडा मत होने देना, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अब दुनिया को दिखाना है जनता की ताकत, एनिमेक्स को इंडिया वापस लाना है। खुद से प्रॉमिस कर लो कि अब जीत पर अड़े रहेंगे, जो देखना है सिर्फ वही देखेंगे। 2019 बेस्ट था बट 2020 को अमेजिंग बनाएंगे। नए साल के सूरज के साथ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है डीमन स्लेयर इनफाइनाइट ट्रेन आर्क, तो चलो साथ मिलकर इसे भी ला लेते हैं बिग स्क्रीन पर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर एवरीथिंग यू डिड टू ब्रिंग एनिमे इन इंडिया। हम सभी एनिमे यूट्यूबर्स ने तो जो हो सकता था वो किया, लेकिन यार कुछ भी कहिए, आपके सपोर्ट के बिना सब कुछ इम्पॉसिबल था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि यार एट द एंड आप हैं तो ही हम हैं। बट गाइस एनिमे तो इंडिया आ चुका है ये सोचकर अब हमें बैठे नहीं रहना है। 2019 में हमने एनिमे मूवीज को इंडियन थिएटर में रिलीज करवाया, लेकिन 2020 हमारे लिए और भी बड़े चैलेंजेस लाने वाला है जिसे हमें हंसते हंसते एक्सेप्ट करना है। 2020 का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा एनिमेक्स को वापस इंडियन टीवी चैनल्स पे लाने का। तो चलो यार इस चैलेंज को एक साथ मिलकर पूरा करते हैं और अपने एनिमेक्स को वापस इंडियन टीवी चैनल में लाते हैं। तो अब कोई भी आपसे पूछे तो उसे गर्व से कहो दैट यस आई एम ओटाकू, वी ऑल आर ओटाकूज एंड वी वॉच एनिमे। सो गाइज ये थी 2019 के इंडियन एनिमे कम्युनिटी के स्ट्रगल्स और उनके सक्सेस की स्टोरी। चूंकि ये 2019 की हमारी आखिरी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी सीधा अगले साल 2020 में एक नए एनिमे के रिव्यू के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।